जोरहाट नेमाती घाट नौका दुर्घटना के बाद एक और दुखद घटना घटी है। जोरहाट से माजुली जा रही आरपीएल डिगारू नामक जहाज से 60 वर्षीय वृद्ध नदी में गिर गई। जहाज नेमाती घाट से आज सुबह 9:45 पर माजुली के लिए रवाना हुई थी। वहीं लापता व्यक्ति की तलाश में एसडीआरएफ ने अभियान शुरू कर दिया है। एक बड़ी और अहम खबर इस वक्त की, जोरहाट नेमाती घाट नौका दुर्घटना के बाद अब एक और दुखद घटना घटी है। जी हां, जोरहाट से माजुली जा रही आरपीएल डिगारू नामक जहाज से 60 वर्षीय वृद्ध नदी में गिर गया है। जहाज नेमाती घाट से आज सुबह 9:45 पर माजुली के लिए रवाना हुई थी। वहीं लापता व्यक्ति की तलाश में एसडीआरएफ ने अभियान शुरू कर दिया है। जी हां, 60 वर्षीय वृद्ध को ढूंढा जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम की तरफ से अभियान जारी है। और जोरहाट नेमाती घाट नौका दुर्घटना बस कुछ ही दिन पहले हुआ था और अब एक और दुखद घटना घटी है। जोरहाट से माजुली की ओर जा रही थी आरपीएल डिगारू नामक एक जहाज और उस जहाज से 60 वर्षीय वृद्ध नदी में गिर गया है। आपको बता दें कि जहाज नेमाती घाट से आज सुबह 9:45 पर माजुली की ओर रवाना हुई थी, लेकिन इसी दौरान एक दुर्घटना हुई और 60 वर्षीय वृद्ध जहाज से नदी में गिर गया। फिलहाल एसडीआरएफ ने तलाश अभियान शुरू कर दिया है और वृद्ध को ढूंढने की तमाम कोशिशें की जा रही है। एक दुखद खबर इस वक्त की। जी, एक व्यक्ति 60 वर्षीय व्यक्ति नदी में गिर गया जहाज से। और अब फिलहाल आपको बता दें कि पिछले महीने नेमाती घाट में हुए नौका हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद राज्य सरकार ने नदी पर सिंगल मशीन फेरी सेवा बंद कर दिया है। और इसी बीच आज एक दुखद खबर आई है। और पिछले ही महीने आपको जैसा हम बता रहे कि नेमाती घाट में एक नौका हादसा हुआ था जिसमें 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और उसी के बाद राज्य सरकार ने नदी पर सिंगल मशीन फेरी सेवा को बंद कर दिया है। और आज इसी बीच एक दुखद खबर सामने आ रही है। माजुली को रवाना हो रही एक जहाज से एक 60 वर्षीय व्यक्ति नदी में गिर गया है। उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल व्यक्ति का कोई पता नहीं लग पाया है। आरपीएल डिगारू नामक जहाज से गिरा है ये व्यक्ति। जोरहाट से माजुली की ओर जा रहे जहाज में यात्रा कर रहा था व्यक्ति, जिस दौरान वो यहाँ से गिर गया। आज सुबह 9:45 में ये जहाज माजुली के लिए रवाना हुआ था और इसी दौरान ये दुखद घटना हुई। আমি ডিগাৰু নামৰ ফেৰীখনত মাজুলীৰ হেৰিৰ পৰা আপোনাৰ নিমাতী ঘাটৰ পৰা কমলাবাৰীলৈ আহি আছিলোঁ। ঠিক 8:09:45 ফেৰীখন ওলাইছিলে তাৰ পৰা কমলাবাৰী অভিমুখে। আৰু ঠিক 20 মিনিটমান যোৱাৰ পিছতে আমি দেখা পাইছিলোঁ, মই ৰখি আছিলোঁ আগফালে, তেনেকুৱাতে দেখা পাইছিলোঁ যে মানুহ এজন পানীলৈ জাপ মাৰি দিছিলে। জাপ মৰাৰ পিছত আপোনাৰ প্ৰায় 4 মিনিটমান মানুহজন ওলাই আছিলে, কিন্তু জাহাজখন যিহেতু হঠাতে ঘূৰাব নোৱাৰে, দেখা পোৱা গ'ল যে মানে এখন ঘূৰাই পেলাই পাই মানে ধৰি লওক মানুহজন সোমাই গৈছিলে। কেইবাবাৰো তেওঁ হাতখন ওপৰলৈ গৈছিলে, তেতিয়া আমি অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে মানুহজন কিবা বিপদত পৰিছে বুলি। আৰু লগালগ আপোনাৰ ইনফৰ্ম কৰা হৈছিলে আপোনাৰ চালকসকলক, আৰু তেখেতলোকে খুব ক্ষিপ্ৰতাৰে ধৰি লওক ঘূৰাই পেলাই নাওখন লৈ গৈছিলে। কিন্তু তেওঁ হেৰি নাওখন গৈ পাই মানে ধৰি লওক সিমানখিনি সময় আমি পোৱা নাছিলোঁ, তেওঁ অলৰেডি আপোনাৰ ডুব গৈছিলে সেই সময়তে।